गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड दिस इज डे 4 और अभी हम हैं लेह में, लेह सिटी में। कल रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे क्योंकि 14-15 घंटे की ड्राइव हो गई थी जिस पास भी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे हम लोग। तो बिना डिनर करे हम लोग सो गए। लोगों ने ब्रेकफास्ट करा है एंड वी आर गुड टू गो टू एक्सप्लोर लेह सिटी, क्योंकि मैं 3 साल पहले आया था, मैं तब भी लेह सिटी कुछ नहीं घूमी थी, मैं डायरेक्ट चला गया था रोहगढ़ एंड गोंग। अभी सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है ना, वो है मुझे गाड़ी धुलवानी थी। बहुत गंदी हो गई है, वाइट कलर की गाड़ी मेरी पूरी काली हो गई है। सो दिस इज द बालकनी ऑफ आर होटल एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम आर होटल। तो बस फटाफट निकलेंगे यहाँ से क्योंकि गाड़ी वॉश करानी है। हम ऑलरेडी बहुत लंबा सोए हैं, 11:30 बज रहे हैं, तो अब निकलते हैं। यार अनफॉर्चुनेटली हमें कार वॉशिंग वाला तो नहीं मिला। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। दो कार वॉशिंग वाले थे बट वो वॉशिंग नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे कि अभी हम अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग जा रहे हैं मैग्नेटिक हिल, क्योंकि लास्ट टाइम मैग्नेटिक हिल नहीं देखी थी, तो हम लोग हैं मैग्नेटिक हिल, अब हम जा रहे हैं मैग्नेटिक हिल में। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, आई एम रियली सॉरी। अब हम जा रहे हैं मैग्नेटिक हिल देखने लेह की प्यारी प्यारी छोटी छोटी गलियों से। अभी जस्ट मैंने बोला ही था कि कोई कार वॉश वाला नहीं मिल रहा, बट फॉर्चुनेटली कार वॉश वाला मिल गया जो अब गाड़ी को धोने वाला है, क्योंकि गाड़ी की कंडीशन ना बहुत ज़्यादा प्यारी हो रही है हमारी। ये गाड़ी की कंडीशन हो रही है तो अब इसको वॉश कराएंगे, फिर वॉश करा के अब जाएंगे मैग्नेटिक हिल के लिए। अब हम लोग आ चुके हैं मैग्नेटिक हिल में और सच बताऊं बहुत ही जगह है जो यहाँ पे सीनरीज है, जो सीनरीज है ना, दे आर लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और ऐसा कहते हैं कि मैग्नेटिक हिल पर अगर आप गाड़ी का अपना हैंड ब्रेक छोड़ दो तो गाड़ी वापस पीछे की तरफ जाएगी, बट मैंने अभी तक वो एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा, ना मैं करना चाहता। यहाँ पे ट्रैफिक आज बहुत ज़्यादा है तो आई थिंक, और यहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट है वहाँ पे लोगों के लिए जो आकर खाना खा सके। तो आई थिंक 5-10 मिनट यहाँ पे रुकेंगे, फोटोज लेंगे, फोटोज लेने के बाद फिर अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। और यहाँ पे मैग्नेटिक हिल पे ना एडवेंचर करने के लिए जहाँ पे वो बाइक्स चलवा रहा है, ट्रैक बना हुआ है बाइक्स चलाने के लिए, वो शायद MPV या FPV कुछ समथिंग जो होते नीचे कॉमेंट करके बता देना। सो गाइस बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट, तो बस यहाँ से साइड हो गया हमारा, यहाँ से आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है संगम पॉइंट। देख सकते हो बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, तो अब यहाँ से निकलते हैं संगम पॉइंट के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जो है यहाँ से 2.7 किलोमीटर दूर, एक्चुअल में वो है संगम पॉइंट। वहाँ पे ना तीनों तरीके के नदियाँ आपस में मर्ज होती हैं, सो दे कॉल्ड इट संगम। तो अब चल के देखते हैं कि कैसा संगम होगा, मिलन होगा या नहीं होगा, लेट्स फाइंड आउट टुगेदर। ओके, तो अब हम लोग आ गए हैं संगम, जो कि संगम व्यू पॉइंट है, और वहाँ नीचे है संगम। एक्चुअली ये दो नदियों का पानी है जो आपस में मर्ज हो जाता है, बट ड्यू टू सम रीजंस ये जो लेफ्ट हैंड वाला है ना, ये ब्लू होता है, वो थोड़ा मिट्टी टाइप का होता है। आई डोंट नो कि अगर तुम लोग सही से देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, बट द व्यू ऑफ दिस लोकेशन इट्स एपिक, इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट व्यू ऑफ माई लाइफ यार, सीरियसली। वैसे यहाँ पे नीचे रिवर राफ्टिंग भी होती है बट हम लोग नहीं करने वाले, तो उसके लिए पूरा नीचे जाना पड़ेगा, 1 घंटा अप्रॉक्सीमेटली लगेगा मेरे हिसाब से। तो अब यहाँ से हम जाएंगे अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, थोड़े से फोटोज ले लेते हैं यार, यहाँ पे भी तीन दूर आए संगीता तो बनते ही है। तो यार ये है पत्ता सिंह साहिब गुरुद्वारा, और वेरी ऑनेस्टली मुझे इसके बारे में पता तो था कि वाई दिस प्लेस इज फेमस, बट अनफॉर्चुनेटली मैं भूल गया। अगर तुम लोगों को पता हो तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि ये गुरुद्वारा क्यों फेमस है। This is one of the tourist place in Leh. अभी हम लोग संगम से जब वापस आ रहे हैं तो इधर मेरे राइट हैंड पे इधर सामने ये है हॉल ऑफ फेम। हॉल ऑफ फेम
एक म्यूजियम है हमारे जवानों के लिए जिन्होंने अपने देश के खातिर, हम सबको बचाने के खातिर अपनी जानें दी हैं, तो उनके लिए ये हॉल ऑफ फेम है जिसमें पूरी कहानी है, एवरीथिंग है, जैसे तुम देख ही सकते हो इधर, ये पूरा हॉल ऑफ फेम है। ऑलराइट गाइस, तो हम पहुंच गए अपनी थर्ड लोकेशन पे, जो कि है शांति स्तूपा, विच इज़ द हाईएस्ट स्तूपा इन लेह सिटी, जहाँ से पूरी लेह सिटी दिखती है। अभी फिलहाल हम ऊपर चल रहे हैं, हाइक है थोड़ी सी, ऊपर चल के शूट करते हैं। तो हम लोग हैं शांति स्तूपा पे, एंड इज शांति स्तूपा। तो शांति स्तूपा से ना पूरा लेह सिटी का व्यू दिखता है। तो जितनी ग्रीनरी देख रहा हूँ ना, ये पूरा का पूरा लेह सिटी। जब 3 साल पहले आया था मैं, यहाँ पे इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि एक एक लोकेशन पे जब फोटो खिंचवाना था ना तो बहुत टाइम लग रहा था, बट अभी बिल्कुल खाली पड़ा है। आई डोंट नो व्हाई, मे बी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस वजह से, और मे बी सम अदर रीज़न। We are going to relax ourselves here. उसके बाद फिर देखते हैं what will be our next destination in Leh City. शांति स्तूपा आने के 2 रास्ते हैं। पहला वाला तो ये है जिससे हम लोग आए, वहाँ पर पार्किंग है जहाँ पे वो गाड़ी है ना, मे बी शायद दिख रही हो। एनीवेज वहाँ पर पार्किंग है जहाँ पर हमने अपनी गाड़ी लगाई है। उसके बाद ये 100 मीटर का या 150 मीटर की हाइकिंग होगी। दूसरा रास्ता ये है जो सीढ़ियाँ नज़र आ रही है ना, ये यहाँ पर पहुँचाएंगी, फिर यहाँ से वही 100-150 मीटर की हाइक। जन्नत के स्टॉप से एक स्टॉप नीचे, ज़्यादा नहीं, 1000 सीढ़ी। आई डोंट नो, मैं इन पर चढ़ा तो हूँ ना, मुझे चढ़ने का कोई शौक है। सो वी आर डन इन शांति स्तूपा, एंड नाउ मे बी वी आर हेडिंग टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन इन लेह। ओके, तो गाइज अभी हम लोग निकल चुके हैं शांति स्तूपा पे। एक्चुअली जब 3 साल पहले मैं आया था ना, तो यहाँ पे कोई फी नहीं थी अंदर जाने के लिए, बट अब इन्होंने कर दिया है 30 रुपीज़ पर पर्सन एज ऑफ 2024, और वो भी मे बी इसलिए क्योंकि अभी अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रिपेयरिंग चल रही है शांति स्तूपा की। नाउ वी आर हेडिंग ऑन आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। आई डोंट नो येट हम कहाँ जा रहे हैं, आई लेट यू नो, कीप वॉचिंग। तो हम लोग हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, जिसका नाम है नामग्याल पी सेमो मोनेस्ट्री, और वो है मोनेस्ट्री। वहाँ पर एक फोटोशूट का पॉइंट है, यहाँ से भी पूरा लेह सिटी दिख रहा है। ऐसा रास्ता है, ये रास्ता था इस जगह पर आने के लिए। हाँ, गाड़ी खड़ी भी है। वे हम लोग हैं लेह की सबसे हाईएस्ट पीक पर, लेह सिटी दिख रही है इधर से, उधर सामने शांति स्तूपा है। और यहाँ पर आने के लिए ना थोड़ा एडवेंचर करना पड़ता है, क्योंकि रास्ता कुछ ऐसा है, यहाँ से पूरा नीचे पर हमारी मोनेस्ट्री है। यहाँ पर आए थे फोटोशूट के लिए, फोटोशूट तो कर लिया है, अब ऊपर जाएंगे मोनेस्ट्री, देखते हैं कैसी है। उसके बाद आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी द लास्ट स्टॉप फॉर टुडे, क्योंकि 5:30 ऑलरेडी हो गए। सो लेट्स गो। So this is the monastery, और यहाँ पर ड्रोन नहीं उड़ा सकते because of military or something, परमिट लेना पड़ेगा, वो हमारे पास है नहीं।
छः बज गया ऑलरेडी, बट यहाँ का वेदर और यहाँ का सूरज देख के ऐसा लग नहीं रहा कि 6 बज रहे। सो गुडनेस, कह सकता है कि 6 बज रहे हैं और तुम्हें घड़ी में दे तो 6 बज रहा है। तो बस यहाँ से चलते अपने होटल से, क्योंकि बैठे भी लोग होने वाली है बस। और आई थिंक एक लास्ट लोकेशन बची है, उसको कवर करेंगे, उसके बाद जाएंगे। चलो ऑलराइट गाइस, तो अब मोनेस्ट्री के बाद हम लोग आए हैं गोल्डन बुद्धा देखने। ऐसा ही एक बुद्धा का स्टैचू ना स्पिति में भी है। तो ये हमने एक्चुअली मोनेस्ट्री से भी देखा था, शांति स्तूप से भी देखा था। वेरी फ्रेंकली इसको ढूंढना बहुत मुश्किल है, पता नहीं कहाँ कहाँ से उगर आए हम। तो गाड़ी भी वहाँ पे लग जाती है, बिल्कुल थोड़ी सी चढ़ाई है, मतलब हाँ इसमें मेरी हालत ख़राब नहीं हो रही है, अदरवाइज एज यू नो मैं कितना बेकार हूँ चलने में। ये थी कुछ इस स्टैचू की कहानी। फिर थोड़ा हाई एल्टीट्यूड है तो सांस आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम, और अभी यू वॉन्ट बिलीव कि 7:14 हो रहा है, और इसे देख के कौन कह सकता है कि 7:14 हो रहा है। दिस इज़ अमेजिंग। यहाँ पे सनसेट होना स्टार्ट हुआ है और प्रोबेबली अंधेरा हुई 8:15 या 8:30 के आसपास तक होगा। सो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर दिस प्लेस, दिस इज़ द बेस्ट विच आई कैन शूट ओवर देयर। चलो देखते कार। All right guys, so this is our last destination of Leh, which called Leh Bazaar or Leh Market, और ऐसी ये दिखती है। तो ये अच्छी खासी मार्केट है, इट्स लाइक अ मॉल रोड लाइक मनाली मसूरी नैनीताल। यू कैन गेट एवरीथिंग वट एवर यू वॉन्ट लाइक अ यूजल मॉल रोड। सो दिस इज़ द लास्ट लोकेशन ऑफ आर डे। यहाँ पर हम थोड़ा सा आए हैं कुछ खाने के लिए, कुछ खाएंगे फिर होटल जाएंगे और फिर सो जाएंगे। So I think this is it for this vlog. I'll see you next time. Till that, bye bye. जब तक अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट अच्छा था कौन सा नहीं।